नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में, मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 400वें प्रकाश वर्ष के उपलक्ष्य में 24 तारीख को पानीपत में होने वाले प्रदेश स्तरीय समारोह के आयोजन के चलते शनिवार को स्थानीय पंचायत भवन में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त श्री राहुल नरवाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि गुरु तेग बहादुर सिंह के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पानीपत में 24 अप्रैल को प्रदेश स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकाश पर्व में जिला भिवानी से हजारों की संख्या में श्रद्धालु नागरिक भाग लेंगे। नागरिकों से जाने आने के लिए जिला प्रशासन द्वारा वाहनों व बसों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रत्येक बस पर एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। इसको बुलाया गया था, उनको डायरेक्शंस दी गई है कि जो कल हरियाणा सरकार द्वारा 400वां प्रकाश उत्सव श्री तेग बहादुर जी की मनाया जा रहा है पानीपत में, तो यहाँ से बसेस जा रही हैं, उसको लेकर डायरेक्शन थी कि क्या क्या पटवारी इसको अरेंजमेंट करने, क्या करना। व्यवस्था ये है कि हमारे यहाँ हरियाणा सरकार के द्वारा बसेस जा रही है भिवानी जिले से, और लगभग अभी 42 बसें फाइनल हुई है, और भी हो सकती है 50 तक। तो रिफ्रेशमेंट्स श्रद्धालुओं को दी जाएगी, पानी की बॉटल्स दी जाएंगी, और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। स्थानीय नई अनाज मंडी स्थित जन सेवा सदन में पूर्व मंत्री व विधायक श्रीमती किरण चौधरी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और व्यापारियों को होने वाली समस्याओं को सुना। अनेक मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ हो रही। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मंडी के अंदर चारों तरफ रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इस प्रकार का कार्य करना बहुत ही गलत है, इस प्रकार का व्यवहार गलत है, इसकी आवाज़ वो विधानसभा में उठाएंगी। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि महंगाई के कारण आम जनता परेशान है, पेट्रोल और डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, काम धंधे खत्म होते जा रहे हैं, इसके साथ साथ किसानों की फसल भी खराब हुई है, गर्मी के कारण उनकी फसल में कमी भी आई है। नगर निगम भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में हुआ घोटाला सरकार की मिलीभगत से हुआ है, सोशल मीडिया पर वायरल हुई ऑडियो को लेकर सरकार पर निशाना साधा, खुले आम सरकार के खिलाफ आम जनता के बीच ऑडियो वायरल हो रही है, लेकिन सरकार अंधेरे नगरी चौपट राजा वाली कहावत लागू कर रही। इस तरह से व्यापारी भाइयों का जो है पूरी तरह से सत्यानाश करा जा रहा है। मंडी के अंदर जो है यहाँ पे चेने लगा दी है, ये तो पहली बार मैंने देखा है कि मंडी के चारों तरफ जो है चेन लगा के बिल्कुल ही इनको चोर बना के बैठा दिए। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस तरह से इनके साथ व्यवहार कर रही है, और इस आवाज़ को हम उठाएंगे। साथ ही साथ आज जो हो रहा है वो अब सबके सामने है, सबके काम धंधे चौपट हो गए हैं पूरी तरह से। जो किसान है उसकी जो गेहूँ थी, उसकी फसल जो है, उपज जो है, मेरे ख्याल में 7% कम हो गई है, 5 से 7 क्विंटल पर एकड़ उसी कम हुई है। तो कितना ज़बरदस्त नुकसान किसान को हुआ है, ये इसलिए कि ये मौसम के कारण और पानी और बिजली सही टाइम पे नहीं मिलने के कारण ये सारा कुछ हुआ है। तो कम से कम किसान भाइयों को जो है प्रति एकड़ जो है 500 क्विंटल जो है गेहूं का जिसका नुकसान हुआ है उसका बोनस जो है उसको मिलना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, क्योंकि वैसे ही लागत इतनी ज़बरदस्त बढ़ गई है। महंगाई तो बिल्कुल आसमान छूने वाली बात नहीं, आसमान भी छू के ऊपर चली गई है। जिस तरह से बिजली पानी का बुरे हाल हो रहे हैं, तो मेरे को समझ नहीं आती कि आम जनता, हम लोग करेंगे क्या, क्या खाएंगे। सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, नींबू जो है 300 रुपये का किलो। अभी मैं तो शाम मंडी में गई थी तो वो मेरे को बता रहे थे, कहते जी मैंने कहा ये कैसे दिए भाई, कहते 300 रुपये किलो। मतलब इस तरह का व्यापक गोरख धंधा हो रहा हो और मतलब खुले आम चोर जो है वो ये बातें करें और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, फिर रह क्या गया भैया, फिर तो कुछ तो पूरी तरह से अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सौदा है, क्या कह सकते। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता मैडम कहते हैं कि देखो आपको एक मैं बताऊँगा, कोई भी पार्टी का कोई भी हो, अब ये बीजेपी वालों ने भी SYL को जो है ठंडे बस्ते के अंदर से निकाल लिया है,
साढ़े सात साल तो जो है एस वाई एल का कुछ करा नहीं, जब कर सकते थे आपकी सरकार थी केंद्र में तो आपकी सरकार है ही, वहाँ पे भी अकालियों के साथ इनकी साझी सरकार चल रही थी और हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी, तब तो जब करना चाहिए था कुछ करा नहीं। अब ये जो है इसको मुद्दा बना के लिया है, ये चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी स्टंट मुद्दे नहीं, स्टंट कौन नहीं, ये चुनावी स्टंट हैं। कभी चंडीगढ़ आ जाएगा, कभी एस वाई एल आ जाएगी। सच्चाई ये है कि भाई कोई एस वाई एल नहीं आने वाली, कोई नहीं लेके आ सकता, समझ जाना ये। और ये मैं ठोक बजा के आज से नहीं, सालों से कहती आ रही हूँ, एस वाई एल नहर का निर्माण जो चौधरी बंसीलाल जी ने करवाया था वो पूरी तरह से ठंडे बस्ते में नहीं, वो ख़त्म हो चुका है। और दुर्भाग्य की बात ये है, विधानसभा में मैंने ये बात कही कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक के अंदर फैसला दे दिया 2016 के अंदर और कहा कि केंद्र सरकार जो है इस नहर को लाने में काम करे, साढ़े सात साल तक तो केंद्र सरकार को इसकी सुध-बुध ली नहीं, ना हरियाणा सरकार ने ली हमारे कहने के बावजूद कि हमारे को आप प्रधानमंत्री के पास लेकर चलो, हम भी आग्रह करेंगे, विपक्ष आपके साथ हैं, तब तो कोई बात हो ही नहीं। अब जब कुछ और मुद्दा मिला नहीं, जब इन्हें मालूम है भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर, जो महंगाई है आसमान से ऊपर छू रही है और जो बेरोजगारी है उसका तो आलम ही नहीं, तो ये सारे मुद्दों से, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, तो आदमी के पास जेब उसकी खाली कर दी है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम जो हैं आसमान छू रहे हैं, तो ये सारे मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए। ये ध्यान खाली तभी भटकाया जा सकता है जब आपको कभी कह देंगे बीच में ले आएंगे एस वाई एल ले आएंगे, कभी चंडीगढ़ का मुद्दा ले आएंगे, और कुछ नहीं होगा फिर राम मंदिर का मुद्दा आ जाएगा, कुछ और मुद्दे जो हैं ये इस तरह के मुद्दे आ जाएंगे भाई, ये लोगों को भटकाने वाली बातें हैं। मजबूती अब इससे ज़्यादा और क्या मजबूती होगी, बार बार बोलती हूँ मैं तो, हर चीज़ के लिए बोलती हूँ, बेबाक होके बोलती हूँ, किसी चीज़ का तो जो है कभी भी कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। अब बात ये है कि जो सरकार दावा करती है ज़ीरो टॉलरेंस की और खुले उसके नाक के तले जो है सारे ऊपर से लेके नीचे तक जो है भ्रष्टाचार में लिप्त बैठे हुए हैं, तो फिर क्या कहने, क्या कह लोगे। आज जो है ये नगर पालिका के अंदर जो हालात हुए हैं, इतनी इतनी सारी जो है, ये मैं तो हैरान हूँ कि जो ऐप बना दिया इन्होंने, फर्जी ऐप बन गया, वो फर्जी ऐप के ऊपर जो है ये सारा वो ले रहे हैं, बिजली पानी के बिल इन्होंने इकट्ठे कर लिए और उन लोगों को अभी तक जो है अरेस्ट नहीं करा गया है, उनसे रिकवरियां नहीं करी गई हैं, उनके जो हैं उनके अभी तक जो है उनकी कुर्की निकाल के उनकी जो उनकी रियासतें जो उन्होंने बना ली हैं उसके उसके थ्रू जो है पैसा निकाल लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, इनकी नियत है ना, नियत सही नहीं है ना, नियत सही इसलिए नहीं क्योंकि सारे उसके अंदर मिले पड़े हैं, तो किसको कौन, चोर चोर मुसेरे भाई किसको पकड़ोगे। और हैरान मेरे को तो जो आदमी मतलब वो सोशल मीडिया पे वो जो ऑडियो पे क्या नाम था उसका ऑडियो पे जो बोल रहे रण सिंह जो भी है, मैं तो सुन के हैरान होगी। भिवानी के नजदीकी गांव हालुवास में शिरडी के राजा श्री साईं बाबा की मूर्ति स्थापना साईं धाम में की गई। करीबन 12 साल पहले बने इस भवन में 23 तारीख को मूर्ति स्थापना व 24 तारीख को हवन यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया। वहीं इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर बाबा की पूजा अर्चना की। निकटवर्ती गांव हालुवास में शिरडी के राजा श्री साईं बाबा की मूर्ति स्थापना के लिए साईं धाम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जोहड़ी धाम मंदिर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री व पशुपालन मंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में नगर विधायक घनश्याम सर्राफ ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर महंत चरणदास महाराज व अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से साईं बाबा की मूर्ति स्थापित की गई। वहीं उन्होंने बताया कि औरंगाबाद के निकट शिरडी के धाम में साईं बाबा की अत्यंत प्राचीन मूर्ति स्थापित है जहां पर दूर दूर से लोग मन्नतें मांगने आते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि हालुवास में भी उसी तर्ज पर एक भव्य मंदिर का समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल, आज हालुवास गांव में काफ़ी समय से ये जो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, 10-11 साल के बाद में मूर्ति स्थापना का ये शुभ अवसर आया है।
अलवास का भी सौभाग्य है और हमारे भिवानी का भी, क्योंकि सरदा और आस्था का सैलाब भिवानी में बहुत ज़्यादा बहता है। बाबा साईं का कोई मंदिर नहीं था और हमारे संजय जी कामरा जो इस मिशन के और इस समिति के अध्यक्ष हैं और इनकी पूरी टीम जो इसके लिए प्रयासरत थी, उन्होंने एक सफल आयोजन किया है। आज जो है माननीय कृषि मंत्री जी यहाँ पहुँचे और माननीय सांसद साहब भी यहाँ पहुँचे, हमें भी यहाँ आने का मौका मिला है। तो हम सबके लिए आशीर्वाद यही है कि जो भी इस प्रकार का आयोजन है, माहौल है, उसको इसी प्रकार के शांति से बनाए रखें, क्योंकि छोटी काशी धर्मनगरी है, कहीं ना कहीं आस्था बनी रहती है, कहीं ना कहीं संतों का, देवताओं का कहीं ना कहीं वास रहता है, कहीं प्राण प्रतिष्ठा होती है। एक अच्छा आयोजन और एक अच्छा भाव बना रही। देखिए, भिवानी हालुवास धाम में जो है 12 साल से भवन तैयार हो रहा था, आज बाबा जो है यहाँ पर विराजमान हुए हैं और जो है भक्तजनों में इतनी खुशी है कि जो है 12 साल का इंतजार आज पूरा किया है और जो है आज मूर्ति की स्थापना हुई है और कल जो है इसी उसमें भजन संध्या व भंडारे का भी आयोजन है। और जो है सभी से, भिवानी वासियों से यही विनती है कि एक बार बाबा के दर्शन करने जरूर आए। ओम साई राम। हमने जो है साई चरित्र में पढ़ा है कि बाबा ने जो है 12 साल तपस्या की थी, उसके बाद जो है बाबा जो है सबको दिखे थे। तो 12 साल की हमने भी आज भिवानी वासियों ने ये तपस्या पूरी की है और 12 साल पूर्ण होने के बाद जो है आज बाबा जो है यहाँ पर विराजमान। शिरडी बाबा धर्मार्थ ट्रस्ट ने आज मूर्ति स्थापना की है यहाँ। संजय कामरा जी जिसके प्रधान हैं, बहुत प्रयास रहा इनका, सहयोग तो सभी का रहा और आज 12 साल के बाद लगभग विशाल भवन बन के और मूर्ति स्थापना हो गई। लोगों की आज शिरडी वाले बाबा में बहुत आस्था है। संत तो सब धर्मों के, किसी धर्म का भी हो, सबके सांझे होते हैं और आज जो जो टाइम बीतता जा रहा है इनके प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, लोगों की इच्छा पूर्ण होती है, तभी लोग आते हैं। और इस धर्मार्थ ट्रस्ट ने बहुत अच्छे का और भी अच्छे कार्य शुरू कर रखे हैं, गरीबों की मदद करना, बेसहारों को सहारा देना। तो मैं इस ट्रस्ट के प्रधान कामरा जी को भी धन्यवाद करूंगा कि वो इस काम को जारी रखें और इस मंदिर की महिमा दिन दुगनी और रात। प्रचंड गर्मी एवं फसल कटाई के समय धूल भरी आंधी से आंखों को बचाने के लिए सामान्य अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरजीत सिंह ने विशेष सलाह दी। उनका कहना था कि विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों को चश्मा पहनकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए, वहीं आंखों में किसी भी तरह की दिक्कत हो तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। इस बारे में नागरिक अस्पताल भिवानी के नेत्र रोग विशेषज्ञ हरजीत सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रबी की फसल की कटाई का समय चल रहा है। इस समय गेहूं और सरसों की फसल की कटाई होती है जिससे कि धूल भरी आंधी में फसलों के अवशेष हवा में उड़ते रहते हैं और वह हमारी आंखों में चले जाते हैं। बुजुर्ग बच्चों को आँखों की एलर्जी हो जाती है, ऐसे में आँखों की देखभाल की विशेष ज़रूरत होती है। घर से बाहर निकलते समय चश्मा अवश्य लगाएं, अगर वाहन पर सफ़र कर रहे हैं तो हेलमेट लगाएं और अपने मंजिल पर पहुंचने के बाद आंखों को ठंडे पानी से धोएं। तो जो अभी कटाई का सीज़न में धूल ज़्यादा उड़ती है, जो गेहूँ निकालते हैं उसकी जो पणा बोलते हैं क्या बोलते हैं वो उड़ती है काफ़ी, उसकी वजह से जैसे ही आप कहीं घूम रहे हैं या कहीं बाइक पर जा रहे हैं तो सीधी हवा के थ्रू आँखों में चली जाती है। उससे कईयों को आँखों में इन्फेक्शन भी हो जाता है और कईयों की आँख में रड़कनी हो जाती है शुरू, और कईयों में वो तोड़ी का भी चिपक जाता है अंदर, फॉरेन बॉडी बोलते हैं उसको। तो इसमें सावधानी ये है कि अगर पहली बार तो कहीं ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही घर से ज़्यादा मतलब बाइक पर निकलें तो अपनी सावधानी बरतें, तो चश्मा लगाएँ, एक फुल फेस हेलमेट लगाएँ अगर कोई बैठा है तो, और सीधी हवा ताकि आँखों में ना लगे से प्रोटेक्शन करें। अगर आँख में कुछ चला जाता है तो पहले अच्छे से साफ पानी से धोएं और दिन में वैसे भी 3-4 बार साफ पानी से ज़रूर धोने चाहिए सबको इस मौसम में खासकर, और उसके बाद अगर फिर भी कुछ रड़कती रहती है तो फिर आँख के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार ये बारीक कण होते हैं थोड़ी वगैरह के, वो चिपक जाते हैं तो निकलते नहीं हैं, उससे आँख रड़कती रहती है। अगर ज़्यादा लापरवाही करें तो फिर वो जख्म बन जाता है, उसमें फिर काफ़ी टाइम लगता है ठीक होने में। सावधानी यही है कि भी अपनी आँखों को धो के रखें और अपना चश्मा लगाएं, कोई बाइक चला रहा है तो फुल फेस हेलमेट लगाएं, ठीक है, और ठंडे पानी से धोते रहें। बच्चे तो देखो बाहर खेलते ही है, बच्चों का पेरेंट्स को यही ध्यान देना चाहिए कि एक वो धूल मिट्टी से थोड़ा सा कम खेलें और जैसे घर पे आएँ तो अपना अच्छे से
आँखों को धुलवाएं, उनके हाथ धुलवाएं अच्छे से, और कोई पानी वानी की कोई ऐसा ही पानी आता है या आँखों में कई बार इस मौसम में थोड़ी सी एलर्जी भी हो जाती है, बच्चों को खुजली बहुत होती है, तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो आँखों के डॉक्टर से सलाह लेके फिर कोई दवाई डाले। राष्ट्रीय जन लोक पार्टी के संयोजक श्री शेर सिंह राणा ने शहर के एक निजी विश्राम गृह में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता में उन्होंने विशेष रूप से बताया कि महाराणा प्रताप जी की जयंती 9 मई को प्रदेश स्तर पर मनाई जाएगी, जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रहेगी। शनिवार को राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के संयोजक शेर सिंह राणा ने एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी 9 मई को 36 बिरादरी के नागरिकों के साथ मिलकर महाराणा प्रताप जयंती पर भिवानी में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इस कार्यक्रम में सर्व समाज के लोगों का दिल खोलकर स्वागत किया जाएगा, अतः 9 मई को होने वाले इस जयंती कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। महाराणा प्रताप जी की जयंती कई वर्षों से हरियाणा में और पूरे देश में मनाई जाती है, तो इस बार पूरे समाज ने ये फैसला लिया कि महाराणा प्रताप जी सर्व समाज के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी, तो क्यों ना सभी समाज को साथ लेकर पूरे हरियाणा के सभी व्यक्तियों को इसमें सहयोगी बनाकर इस बार महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जाए। तो ये कार्यक्रम तय हुआ है कि 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती भिवानी के अंदर मनाई जाएगी और ये सर्व समाज के द्वारा मनाई जाएगी और ये प्योर उन लोगों के द्वारा मनाई जाएगी जो महाराणा प्रताप जी के अनुयायी हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनके रास्ते पर चलने वाले हैं, देशभक्त लोग हैं। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिष्ठित लोगों को इसमें सम्मान के साथ बुलाया जाएगा और चाहे कोई किसी राजनीतिक दल का हो, इसमें जो अच्छे खिलाड़ी हैं अपने अपने जो फील्ड में जिन्होंने उच्च स्थान प्राप्त किया है, सभी को बुलाने का निमंत्रण देने का इसमें जो है कमेटी ने तय किया है और एक लाख से ज़्यादा लोग आने की इसमें संभावना है। देखिए, जैसे मैंने आपसे बताया कि इसकी मुख्य जो बात है वो तो यही है कि फर्स्ट टाइम जो है वो सर्व समाज को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है, तो भारी संख्या में लोगों के आने की आशा है, क्योंकि महाराणा प्रताप जी के जो अनुयायी हैं, जो चाहने वाले हैं, वो तो देखिए हर समाज में हैं और वो उनकी तादाद बहुत बड़ी है, तो लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे उस दिन भिवानी में, और आप मंच पे भी देखेंगे कि सभी समाज के प्रतिष्ठित लोग भी वहाँ मौजूद रहेंगे। राजनीतिक पार्टी का जैसे कि भ्रम पैदा किया जा रहा है किसी के द्वारा, तो ऐसा नहीं है, ये प्योर रूप से गैर राजनीतिक रूप से महाराणा प्रताप जयंती, सामाजिक रूप से महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी जी। बट लेकिन इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सर्व समाज के नेतागण है, हम आदर सहित उनको निमंत्रण देके आएंगे और हमें उम्मीद भी है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के नेतागण उसमें महाराणा प्रताप जी की जयंती में शरीक होंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप जी किसी जाति विशेष के नहीं थे, उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान के आन बान के लिए लड़ाई लड़ी, इसलिए सभी हिंदुस्तानियों का परम कर्तव्य बनता है कि महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो इसलिए जहाँ तक बात है, ये जयंती भिवानी में मनाई जा रही है और प्रदेश स्तरीय जयंती मनाई जा रही है, राज्य स्तरीय जयंती मनाई जा रही है, तो इसके लिए हमारे जो शेर सिंह राणा जी पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाकर के निमंत्रण दे रहे हैं और समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं और 9 तारीख को भिवानी में पहुंचने का आमंत्रण दे रहे हैं। देखिए, जैसे कि हमारे आदरणीय ओमवीर सिंह जी ने बताया, जो इस कमेटी के हिस्सा हैं इस आयोजन समिति के, तो इसमें सभी लोगों को जो भी, देखिए ये प्योर सामाजिक कार्यक्रम है, क्योंकि जो महाराणा प्रताप जी हैं उन्होंने ऐसा कोई समाज नहीं है, भील भी उनके साथ मिलकर लड़े, हकीम खान के रूप में मुस्लिम भी उनके साथ थे, भामा शाह के रूप में वैश्य समाज भी उनके साथ था और सभी समाजों ने उनके लिए योगदान दिया,
तो महाराणा प्रताप जी के जीवन का जो चरित्र है जो उनका, वो सबको पता चलना चाहिए। तो ये एक सौभाग्य की बात है कि इस बार सर्व समाज मिलकर इसको मना रहा है। भिवानी जिले की अगर हम बात करें, भिवानी शहर की अगर हम बात करें, तो जो हमारे ब्राह्मण समाज के भाई हैं यहाँ पे, जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, उन्होंने हमसे वादा किया है, हम सिर्फ इसमें अपनी सिर्फ वहाँ आएंगे ही नहीं, हम अपनी भागीदारी जो है होर्डिंग लगाकर और प्रचार प्रसार करके भी वो बताएंगे और दिखाएंगे कि हम भी महाराणा प्रताप जी को अपना आदर्श मानते हैं। शनिवार को बड़ा परिवार द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ा परिवार के संरक्षक वासुदेव शर्मा और मुख्य अतिथि आरसी मिश्रा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। बड़ा परिवार भिवानी के संरक्षक वासुदेव शर्मा के मार्गदर्शन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न सामाजिक संगठनों व शहर के गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आरसी मिश्रा, पुलिस महानिदेशक एवं प्रबंध निदेशक पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन हरियाणा पंचकुला से शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने शहर के गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया। वहीं वासुदेव शर्मा ने कहा कि यह एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, इसमें विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने भाग लिया है। इस कार्यक्रम में भिवानी शहर में उत्कृष्ट सेवा देने वाले सामाजिक संगठनों व व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया है। आज यहाँ पे एक सामाजिक संगठन द्वारा आयोजित किया गया यहाँ पे प्रोग्राम, जिसमें समाज के जितने मेधावी छात्र हैं, समाज के जो कर्मठ लोग हैं जिन्होंने समाज सेवा में भाग लिया है, उनको सम्मानित किया जाए। मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, समाज जो है बना है सबको बराबरी का दर्जा देने के लिए। समाज का मतलब है सम धन आज, सम मीन्स बराबर, आज का मतलब प्रेजेंट टाइम में। आज भी जिस समाज में बराबरी का दर्जा है वही समाज को साल होता है, और हम उसके लिए तरह तरह के जो हमारे एनजीओ बने हैं वो सिर्फ यही काम करते हैं कि जो समाज की विचारधारा में या समाज में कई कारण से पिछड़ गए हैं या बिछड़ गए हैं, उनको भी हम सबके बराबर लाएं, सबको बराबर की शिक्षा मिले, सबको बराबर का सहयोग मिले, सब समाज में भागीदार बने और अपने समाज को एक अच्छा खुशहाल समाज बनाएं, जिसमें कि हमारे बच्चों का चरित्र निर्माण हो, बच्चों को हम संस्कृति और संस्कार दें, बच्चे हमारे एक आदर्श नागरिक बने और एक आदर्श जो देश का है वो निर्माण करें। भारत आपको मालूम है पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक देश माना जाता है, यहाँ के हर व्यक्ति में आध्यात्म है, यहाँ के पंच तत्वों में, यहाँ के पर्यावरण में आध्यात्म है, और उस आध्यात्म को हम आगे ले करके यदि बढ़ेंगे तो हमारा देश हमेशा विश्वगुरु रहा है और हमेशा विश्वगुरु रहेगा, और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम अपने बच्चों में वो संस्कार दें जो विश्व गुरु वाले संस्कार रहें, जो अपने चरित्र निर्माण में वो आगे बढ़ते रहें और लोगों को आगे बढ़ाते रहें, समाज का उत्थान करते रहें, देश का निर्माण करते रहें और लगातार हम आगे बढ़ते रहें। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हम सबका ये कर्तव्य है कि समाज में जितने भी संगठन हैं सब मिलकर के समाज में जो कमियाँ हैं, जो समाज में बुराइयाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उन सबको हम दूर करते रहें, दूर करके सबको आगे बढ़ाते रहें और आगे बढ़ा करके सबको जो है एक अच्छे नागरिक रूप में परिवर्तित करें। जब हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे, हमारे जो जितने बच्चे हैं वो अच्छे नागरिक बनेंगे, तभी एक अच्छे देश का निर्माण होगा, तभी हम बच्चों को दिशा निर्देश दे सकते हैं, तभी हमारे बच्चे जो है कर्णधार बन सकते हैं और तभी हमारे बच्चों में एक अच्छी संस्कृति और संस्कार आ सकता है। और यदि ये सब रहेगा तो भारत देश हमेशा आगे बढ़ेगा, भारत देश हमेशा अग्रणी रहेगा। आज का कार्यक्रम बड़े परिवार की तरफ से सभी पार्टियों का, सभी वर्गों का ये कार्यक्रम था जो प्योरली गैर राजनीतिक प्रोग्राम था, जिसमें आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी थे, कांग्रेस के भी थे, आम आदमी पार्टी के भी थे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भी थे, जेजेपी। तो जो बड़ा परिवार जो हर बार प्रोग्राम करता रहता है, जो कि समाज को जोड़ने का कार्य करता है, और आज तो विशेष बात यह थी कि ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जो समाज को आगे बढ़ाने में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आज का मुख्य एजेंडा भी ये था कि श्री आरसी मिश्रा जी, जो कि पुलिस महानिदेशक निदेशक हैं, वो एक पुलिस अधिकारी तो निश्चित रूप से हैं ही, लेकिन एक वाकई में जैसे कुंवरवीर सिंह जी ने कहा कि वो एक संत भी, आपने सुना, उनके विचार सुने,
और उनके विचारों की वजह से जो अंतिम में जो उठ लेते हैं श्रोता, आज आपने देखा कि एक व्यक्ति भी उठने के लिए तैयार नहीं था, उनकी बात सुनने में बड़ा रुचि ले रहे थे और उन्होंने भी हमें ये वो दिया है, संदेश दिया है कि समाज को इकट्ठा रखने में ही सबका भला है। ये देश आगे जब भी बढ़ेगा जब हम चरित्र को बनाए रखेंगे और समाज को जोड़े रखेंगे। आपने सारी बातें उनकी सुनी और मैं भी उनके विचारों से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ और मैं आप सब का भी, विशेषकर आप साथियों का भी आभारी हूँ कि आपने इतना समय दे के सारे भाइयों का जो रुचि बढ़ाई इसमें। कबीर देव शिक्षा जागृति समिति द्वारा जिला उपायुक्त को माननीय मुख्यमंत्री एवं महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि जुलाना गांव में एक दलित युवक के साथ हुई मार पिटाई और उसकी मृत्यु के मामले में जांच करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। बीते दिनों जुलाना में पीट पीट कर एक दलित युवक की हत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर कबीर देव जागृति समिति के पदाधिकारियों ने स्थानीय लघु सचिवालय में पहुंचकर उपायुक्त से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से मामले में न्याय की गुहार लगाई। मैं अशोक सोलंकी जी और ज्ञापन दिया हमने डी सी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को, जो ये हमारे दलित समाज का ये क्या नाम है लड़का एक्सपायर हो गया, यह पुलिस वालों ने उसको उठा लिया ज़बरदस्ती, उसके इल्ज़ाम लगा के ने मारपीट करके ने उसके साथ क्या व्यवहार किया है, ये जुलाना की है जी, समझा। हम ये चाहते हैं इसको न्याय मिले, दोषी को फांसी की सज़ा हो, इसके परिवार को एक नौकरी मिले। और जुलाना गांव में ये 13 तारीख को हुई थी, सुबह 4:20 पर उठाया था पुलिस ने वो, और उठा के उसकी मारपीट करी है। मेरा मारपीट करने के बाद उसकी है ना हत्या होगी, तो उसके लिए आज ये हमारा ये वो है कुछ आदमी मिलके, तो उसके ये है भी उसको जो कराया गया वो क्यों कराया गया, ऐसी क्या गलती थी भी पुलिस ने इतना बड़ा मतलब भाई उसके साथ वो कराया, और उसकी जो हत्या भी कही है ना वो हमने देखा है, उसका फोटो भी आ रहा है, उसके ऐसी चोट मार रखी है जो आप देखो तो आपके भी आँखों में पानी आ जाए, ऐसा उसने क्या कांड कर दिया जो इतनी नौबत होगी। तो उसको लेके आज ही हमारा इसका मतलब प्रदर्शन किया है और ये डी साहब को वो दिया है, हमारे साहब भी खड़े हैं आज, डिस्पैच नंबर लगवा के जो उचित कार्रवाई होगी इसको आगे भेज देंगे। हमारे संग में बस इतना ही, अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।